नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं स्वेज नहर की, यानी स्वेज कैनल की, जो कि पिछले 6 दिनों से जो है पूरी तरह से जाम था। एक मालवाहक जहाज जो कि बताया जा रहा है कि वो एक देश का है जिसमें एक झंडा लगा हुआ है, उसको जांच की जा रही है। पनामा एक के झंडे का के साथ जो है वो सफ़र कर रहा था और जिसका नाम बतलाया गया है एवरग्रीन, जो काफ़ी 6 दिन के मशक्क़त के बाद जो है उसको हटाया जा सका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग जान सके कि ये जो नहर है दुनिया में और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए कितना महत्व। चलिए वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर करें, लोग भी जान सके कि स्वेज नहर आखिर है क्या। बहुत लोगों को पता नहीं होता है और स्वेज नहर जैसा और भी दुनिया में बहुत सारे नहर हैं जो वैश्विक स्तर पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आवागमन के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो चलिए जानते हैं आज इम्पॉर्टेंट इस न्यूज़ के बारे में, क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो स्वेज नहर में मालवाहक जहाज एवरग्रीन, क्या नाम है, एवरगिवन, सॉरी, है ना, 6 दिन तक फंसा रहा है। इस जाम से लगभग 400 से ज़्यादा जहाज़ों की लंबी कतार लग गई। स्वेज संकट से जो है जहाज तो निकल गया है लेकिन एक महंगा सबक दे गया है, यानी वैश्विक स्तर पर जो है बहुत बड़ी मार झेलने को पड़ी है। व्यापार, वैश्विक व्यापार की बात की जाए या विकास दर की बात की जाए या वैसे वस्तुओं की बात की जाए जो उस नहर से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, उन तमाम वस्तुओं की बात की जाए, सभी में जो है बाज़ार में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। काफ़ी कीमतें जो है बढ़ चुकी है क्योंकि समय पर पहुंचा नहीं और वहाँ की जो स्वेज नहर की जो संस्था है या जो राजस्व लेने वाली जो देश है आप बोल सकते हो, उनको भी काफ़ी जो है रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। और ट्रैफिक तो आप बोलो ही मत, कितना काफ़ी जाम हो गया था, अभी तक से जो है खुला नहीं है बढ़िया से, सबको क्रॉस नहीं कर किया जा रहा है और काफ़ी जो है अच्छा वहाँ पे टर्नओवर होती है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। तो चलिए मैं आप स्वेज नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ के बता दूँ कि ये देख सकते हैं स्वेज नहर की जो है एक कंटेनर जो फंसा हुआ है और ये उसके बाद बाएं साइड वाला जो निकल गया है कंटेनर खुलने के बाद का ये कुछ वीडियो जो है फोटो खींचा गया है। इस नहर के कारण जो है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है। किससे? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, यूरोप से, याद रखें। और इससे लगभग 6,000 मील की दूरी की बचत हो गई है। इससे अनेक देशों पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है और व्यापार बहुत बढ़ गया है। तो ये पुरानी बातें हैं लेकिन मैं बता दूं कि इस ऐतिहासिक जहाज दुर्घटना के बाद जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाज के नहर में फंसने के कारणों को लेकर जांच शुरू हो गई है। एवरग्रीन जहाज जो है पनामा के झंडे के साथ सफर कर रहा था, इसलिए पनामा के अधिकारी जो है जांच शुरू करेंगे। इसे मिस्र के अधिकारी टेक ओवर कर सकते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड का दखल भी हो सकता है, हालांकि मिस्र के अधिकारियों ने जांच से पहले ही निष्कर्ष दे दिया है। तो चलिए दुनिया के प्रमुख नहरों की बात की जाए तो पनामा के साथ मैनचेस्टर की बात की जाए तो पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर है, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है और यह नहर पनामा जलमंडलों मध्य को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर पर में पनामा देश का नियंत्रण है। पनामा नहर जल पास या जल लोक पद्धति पर आधारित है। और मैं बता दूँ स्वेज नहर किस पे है तो मिस्र और एक दो देशों की बात करूं तो उसमें फ्रांस की और भी एक देश जो है इसका डील करते हैं। तो चलिए मैनचेस्टर नहर की बात की जाए तो मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस जलमार्ग के विकास
किससे यहाँ के उद्योग धंधों में आशी असतीत प्रगति हुई है। इस नहर के द्वारा मर्सी नदी के पूर्वी तट पर स्थित स्थाम को मैनचेस्टर से मिलाया गया है। यह लगभग 58 किलोमीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी है। इसकी गहराई लगभग 8.5 मीटर है। इस नहर का निर्माण जनवरी 1894 को पूर्ण हुआ। आधिकारिक रूप से इसे परिवहन 21 मई 1894 में शुरू हुआ। जब यह बनकर तैयार हुई तो अपने समय की सबसे बड़ी परिवहन नहर थी। इसका निर्माण लिवरपूल से कपास के परिवहन के लिए किया गया, क्योंकि रेल के द्वारा परिवहन पर बहुत अधिक खर्च होता था। तो ये दो इम्पोर्टेंट नहर के बारे में मैंने बताया, पनामा और मैनचेस्टर की। तो यातायात कैसे होती है स्वेज नहर की, चलिए उसके बारे में विस्तार बता दूँ। इसकी लंबाई कितनी है और किस तरह रफ्तार से चलती है। स्वेज नहर में यातायात कनकोव के रूप में होता है। प्रतिदिन 3 कनकोव चलते हैं, 2 उत्तर से दक्षिण तथा 1 दक्षिण से उत्तर की तरफ। जलयानों की गति 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। इस नहर की यात्रा के समय 12 से 16 घंटे का होता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 19,000 पोत इस नहर से होकर गुजरे थे। इस नहर से दुनिया का करीब 10% व्यापार होता है। यह जलमार्ग तेल के परिवहन के लिए अहम है। और मैं बता दूँ कि जो फंसा था वो मलवाहक एवरगिवन, उसमें भी जो है 2 लाख टन वजन था उसका, और उसमें भी जो है तेल ही फंसे थे। इसलिए महत्वपूर्ण है जल नहर स्वेज नहर। स्वेज नहर दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। या दुनिया की पूरी दुनिया में होने वाले समुद्र कारोबार में 12% आगमन इसी शहर से होता है। नहर बनने के बाद एशिया और यूरोप के बीच जो है दूरी 6,000 किलोमीटर कम हो गई है। सफर में भी 7 दिनों की कमी आई है। रोजाना यहाँ से लगभग 50 जहाज गुजरते हैं, जिन पर $1 बिलियन यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए का तक का सामान लदा होता है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जो इसमें टर्नओवर इस नहर से होती है, इसलिए ये खास भी है। मैं बता दूं कि जहाज फंसने से पहले जो उसके मालिक हैं और ऑपरेटर ने बताया कि तेज हवाओं के हादसों का जिम्मेदार इसमें बताया गया। जांचकर्ता जहाज के वॉइस रिकॉर्डर और ट्रैकिंग डेटा के माध्यम से जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर गलती किसकी थी, कोई मानवीय भूल थी या प्राकृतिक हादसा था। हालांकि जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के किसी अन्य तेज और सस्ते विकल्प के अभाव में स्वेज नहर अभी भी व्यापार का प्रमुख माध्यम बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रुक गया था यातायात स्वेज नहर में। एवरगिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम जा रहा था। यहां से गुजरने के दौरान तेज और धूल भरी हवा की वजह से जहाज नहर में ही फंस गया। 400 मीटर लंबे इस जहाज में 2 लाख टन से ज्यादा का माल लदा था। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे एवरग्रीन मरीन नामक कंपनी ने संचालित करती है। जहाज के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल थे। इस जहाज के फंसने से नहर में यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था और रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा था। नहर के दोनों छोर पर करीब 150 जहाज फंस गए थे। तो मैंने बताया ना कि 400 से ज़्यादा जहाज, ये तो एक दिन दो दिन की बात है, इसे बात की जाए तो 6 दिन कुल मिलाकर फंसे हुए थे जहाज। तो उसमें से कुल मिलाकर 600 से ज़्यादा जहाज़ों की लंबी कतार देखा जाए तो लग गई थी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ वैश्विक स्तर पर। तो इसमें सबक लेने की जरूरत है कि आने वाले समय में इस तरह से दोबारा ना हो, और जो है इस तरह का जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस पर जो है रिसर्च की जाए और बारीकी से रिसर्च की जाए और इस तरह आने वाले समय में इसको रोका जा सके, क्योंकि इससे जो है दुनिया में और वैश्विक स्तर पर जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए मैं बात करूं नुकसान की, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान वैश्विक व्यापार को हुआ है। 650 करोड़ रुपए का नुकसान स्वेज नहर के राजस्व में हुआ, यानी रेवेन्यू जो होती है स्वेज नहर की, उसमें जो है 650 करोड़ रुपये की जो है नुकसान हुआ है, 0.4%। तो आप देख सकते हो कि 1/4 यानी 0.4% घट सकती है वैश्विक व्यापार की विकास दर। ये बातें जो सामने निकल के आई है। और बता दो कि स्वेज नहर में फंसा ट्रैफिक जाम खत्म होने में लगभग 6 दिन लग चुका है या लगा है। इस जाम की वजह से जो है क्रूड समेत तमाम कमोडिटी की कीमतों में तेजी आ गई है। तो क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल होते हैं उसमें काफ़ी जो है परिवर्तन देखने को मिला। पिछले दिन देखा गया कि भारत में लगभग 61 पैसे जो है पेट्रोल और डीजल में काफ़ी गिरावट देखने को मिला 2 दिन तक, लेकिन इधर से फिर जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और फिर से जो है बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इससे ही भारत के क्रूड ऑयल आ रहे थे जो कि समय पर नहीं पहुँच पाए, जिससे जो है खर्चे बढ़ गए
साफ जाहिर सी बात है कि इसमें खर्चे तो बढ़ेंगे ही ना, तो इससे क्या होगा, उसमें खर्चे बढ़ेंगे तो फिर से कीमतें में भी परिवर्तन आने को मिले देखने को मिलेगी, कीमत तो जो है बढ़ने का संभावना ज़्यादा बना रहेगा। लेकिन देखना है कि कंपनियां किस तरह से जो है भारत पे उसको मैनेज करती है। तो ये था स्वेज नहर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आई होप आपको इससे कुछ काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी और स्वेज नहर का इतिहास आपको पता चला होगा और दुनिया में कौन कौन से प्रमुख जो नहर हैं कैनाल हैं उसके बारे में भी मैंने जो है विस्तार से बताया। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो वी कंटिन्यू वॉचिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।